press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Primary pumping method. सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी HVAC सिस्टम के लिए हमारा मेन चिल वाटर पाइपिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है चिलर्स। यहाँ पर मैंने दो चिलर चिल वाटर वन और चिल वाटर टू का एग्जांपल लिया हुआ है और साथ में मैंने तीन एयर हैंडलिंग यूनिट्स के एग्जांपल लिए हुए हैं HU1, HU2 एंड HU3। अब सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होती है जब हम चिलर से एयर हैंडलिंग यूनिट के लिए चिल वाटर सप्लाई पाइपिंग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जांपल द्वारा यहाँ पर एक चिल वाटर पाइपिंग का एक स्कीमेटिक बनाया है। नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट होती है एयर हैंडलिंग यूनिट से चिल वाटर रिटर्न जो वापस चिलर की तरफ जाता है। तो चिलर से AHU और AHU से चिलर वापस पाइपिंग को और पाइपिंग में से पानी को पंप करने के लिए हमें चिल वाटर पंप की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये प्राइमरी पंप सिस्टम का लूप है। तो प्राइमरी पंप सिस्टम में एक चिलर दो चिलर डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट और HU फैन कॉइल यूनिट्स डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइमरी पंप इस प्रकार से चिलर को कनेक्ट करते हैं जो कंप्लीट सिस्टम को रन पानी को सिस्टम में रन करते हैं। तो यहाँ पर चिल वाटर सप्लाई हो गया और यहाँ से चिल वाटर रिटर्न हो गया। तो ये प्राइमरी पंप सिस्टम कहा जाता है और प्राइमरी पंप मेथड में सिर्फ एक ही पंप यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक का मतलब सिर्फ प्राइमरी सिस्टम यूज होता है। यहाँ पर यानी सिस्टम रिक्वायरमेंट के अनुसार आप दो तीन चार या एक पंप्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इस प्रकार के सिस्टम को प्राइमरी पंप कहते हैं। यहाँ पर एक बाईपास कनेक्शन भी दिया जाता है।